नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटास 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मेथड, ऐसा एक तरीका बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ढूंढ सकते हैं उसके एक यूजर नेम के थ्रू। अगर आपने हमारे चैनल ग्रेमेटास 2.0 को अभी तक यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को यहाँ पे जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे गिटहब रिपोजिटरी का लिंक मिलेगा। इस रिपोजिटरी को आपको यहाँ पे ओपन करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसका नाम है गूगल क्लाउड शेल, जो कि एक फ्री वेबसाइट है जिसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। आप इसको ट्रिक को अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, किसी भी डिवाइस से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये गूगल क्लाउड शेल के ऊपर परफॉर्म होने वाली है। गूगल क्लाउड शेल के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे क्विक स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है जिससे हमारा यहाँ पे गूगल क्लाउड शेल ओपन हो जाएगा। जब तक हमारा यहाँ पे गूगल क्लाउड शेल ओपन होता है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे रिपोजिटरी पे जाना है आपको और फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो हमारी ये वाली कमांड है गेट क्लोन वाली, इस कमांड को आपको यहाँ पे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल क्लाउड शेल जब हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपनी कमांड को पेस्ट करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। इससे जो हमारी गिटहब रिपोजिटरी होगी वो हमारे गूगल क्लाउड शेल के अंदर कॉपी हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, हमारी अगली कमांड है ये सीडी शेयर लॉक, इससे मैं इस गिटहब रिपोजिटरी के फोल्डर के अंदर आ जाऊंगा। और ये मैंने कमांड डाली, देखो शेयर लॉक, मैं यहाँ पे इसके फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल करूंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे पाइथन से कंट्रोल कॉपी नहीं करना, बस यहाँ से कॉपी करना पिप से लेके जैसा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, और ये कमांड यहाँ पे डाल देना। इससे हमारे सारे रिक्वायरमेंट और मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएंगे और मेरे में यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ये वाली कमांड डालनी है जो मैं डाल रहा हूँ, पाइथन 3 स्पेस हमारी रिपोजिटरी का जो नाम है शेयर लॉक स्पेस। अब आपको यहाँ पे वो यूजर नेम डालना है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं इंटरनेट के ऊपर, और इंटरनेट पे जिस भी वेबसाइट के ऊपर वो यूजर नेम होगा ये रिपोजिटरी हमें वो ला के देगी। तो मैं यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम डाल देता हूँ, ग्रे मैटर्स अंडरस्कोर मोक्ष डॉट 658। और अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कराया तो आप हमारे मेरे को जाकर इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर ले। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करने वाला हूँ और इसके बाद अभी रिपोजिटरी इसे ढूंढेगी इस यूजर नेम को सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और जहाँ पे भी अवेलेबल होगा ये उसका लिंक मेरे को यहाँ पे लाकर देगी। तो देखो ये यहाँ पे इसने मेरे को दे दिया है, इसने देखो इंस्टाग्राम मेरा लिंक दे दिया है यहाँ पे कि इंस्टाग्राम के ऊपर ये यूजर नेम अवेलेबल है, क्विजलेट के ऊपर भी ये यूजर नेम अवेलेबल है क्योंकि वही आईडी मैंने बनाई थी, और ये पॉलीमार्ट नाइट्रो ट्राइप इनका मेरे को नहीं पता ये किसी और ने बनाए हुए, लेकिन जो भी यूजर नेम जहाँ पे भी अवेलेबल थे इसने मेरे को लाके दे दिया और ये आगे भी सर्च कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ये जो प्रोसेस है यहाँ पे थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हर एक वेबसाइट के ऊपर 60 सेकंड्स को स्पेंड कर रही है यूजर नेम को ढूंढने के लिए। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं इस प्रोसेस को पहले कंट्रोल प्लस सी से एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस था वो रुक चुका है। अब आपको यहाँ पे दूसरी कमांड देनी है जिससे हमारा जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा फास्ट कम करेगा, पाइथन 3 स्पेस शेयर लॉक स्पेस डैश डैश टाइम आउट। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको 1 सेकंड डाल रहा हूँ, या 1 का मतलब यहाँ पे 1 सेकंड है कि हर एक वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 1 सेकंड स्पेंड करेगी उस यूजर नेम को ढूंढने के लिए। और फिर आपको यहाँ पे वही यूजर नेम डाल देना है, ग्रे मैटर्स अंडरस्कोर मोक्ष डॉट 658, और एंटर प्रेस करूंगा। और आप देखना हमारे यहाँ पे रिजल्ट काफी जल्दी आ जाएंगे और मेरे को सारी वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर ढूंढ देगी जहाँ पे भी ये यूजर नेम अवेलेबल है। तो यहाँ पे डी लैब्स का आ चुका है, IEM का आ चुका है, इंस्टाग्राम का, नाइट्रो टाइप, क्विजलेट। इसी तरीके से आप अपने किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ढूंढ सकते हैं उसके यूजर एक यूजर नेम के थ्रू। तो देखो हमारी यहाँ पे सर्च रिजल्ट खत्म, हमारी जो सर्च है वो एंड हो चुकी है और टोटल 7 सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या 7 वेबसाइट वगैरह जो है इंटरनेट के ऊपर वहाँ पे जो यूजर नेम है अवेलेबल है और उनके लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इस फाइल को देखना चाहते हैं तो ls आप यहाँ पे रन करना, ls करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाएगी जो यूजर नेम आपका था, उसके लास्ट में आपको यहाँ पे txt मिल जाएगी। तो इसमें क्या करना, आप यहाँ पे cat टाइप करना और जो हमारी फाइल है इसका यूजर नेम ऐसे कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, और एंटर जब आप करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो जाएगी आपके लिए। इस फाइल को आप बाद में भी यहाँ पे देख सकते हैं और इसे यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कराया तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे सुपर प्रोफाइल से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, मैं आगे भी आपके लिए कुछ इसी तरह का कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइज़।